बढ़िया लग रही है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। 3, 1, 2, 1। सर दो दिन और वेट कर लीजिए सर, प्लीज सर। गुड आफ्टरनून गाइस। सो फाइनली जो मेरा बाइक लेने का वेट था ओवर हो गया है एंड मैं आ गया हूँ रॉयल एनफील्ड के शोरूम जो कि नोएडा के सेक्टर 63 में है। जिन लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा उनको आइडिया होगा मैं कौन सा बाइक ले रहा हूँ। इनॉग्रेशन पर आया, भूख लग गई है भाई। सर दिस इज द शोरूम भाई। मैंने एक चीज नोटिस की है, रॉयल एनफील्ड ने अपने हेलमेट की वो बढ़ा दिया है, रेंज बढ़ा दिया, बहुत सारे नए हेलमेट्स आ गए हैं। बाकी एक्सेसरीज तो पहले से आते ही थे एंड मैं देखता हूँ यार मेरी जिससे बात हुई थी रवि से वो दिख नहीं रहा है यार। इंस्टाग्राम वगैरह पे, यूट्यूब पे मैं ऑलरेडी उमा राइडर्स का प्रमोशन कर दूंगा है ना, इंस्टाग्राम पे भी मैं इसको फॉलो कर दूंगा उमा राइडर्स के नाम से भाई। गूगल पे रिव्यूज डाल दूंगा मैं। सो मैं एक टूर कराया था तुम लोगों को शोरूम का। ये जो शोरूम है उमा राइडर्स के नाम से है, ये मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे PNB बैंक के बगल में है एंड दिस इज द शोरूम एक्चुअली एंड विल गो इनसाइड। बेसिकली आज इनॉग्रेशन है तो यू कैन हैव स्नैक्स टुडे एंड ही इज माई मैन। हेलो एंड यू कैन फाइंड ऑल द एसेसरीज यार, सारी नई एसेसरीज आ चुके हैं यहाँ पे। सी यू कैन फाइंड ऑल द न्यू हेलमेट्स, ऑल द न्यू रेंजेस हियर, ठीक है। सारे गियर्स अवेलेबल है तुमको यहाँ पे, राइट। एंड दिस इज क्वाइट फ्रेंडली एक्चुअली। इस शोरूम में मेरे को बड़ा ही मजा आया लाइक एंड फाइनली दिस इज द बाइक आई एम गेटिंग टूडे, ठीक है। आफ्टर लाइक बहुत लंबे वेट के बाद से मेरे को ये बाइक मिल रही है ना। लाइक पिछले 6 मंथ्स आई वॉज प्लानिंग कि मैं हिमालयन लूँ, फिर इंटरसेप्टर एंड GT के बीच में मेरा मन अटक गया था, बट यस फाइनली आई एम बाइंग दिस। एंड इस शोरूम के इनॉग्रेशन से पहले ही मैंने बुकिंग कर दी थी, रवि को मैंने बुकिंग अमाउंट दिया था, थैंक यू सो मच रवि। एंड यस दैट्स इट, आई एम गोना टेक दिस होम। आई एम जस्ट वेटिंग यार, बहुत 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 टाइम से वेट कर रहा था, इतने दिन तक, मतलब ऑलमोस्ट 10-15 दिन पहले मैंने इसकी बुकिंग करा दी थी, बुकिंग अमाउंट दे दिया था, बट फाइनली आज डिलीवरी मिली है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं एंड आई एम ओवरवेलम्ड एक्चुअली। काफ़ी देर से वेट कर रहा हूँ अभी, अब पेशेंस लेवल जो है ख़त्म हो रहा है। आई थिंक 10-15 मिनट्स आर डी एंड आई गेट माई बाइक, सो लेट्स सी। बेसिकली फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है इसका एंड सीट खोलने का तरीका तो काफ़ी यूनिक है, आई टेल यू गाइस लेटर ऑन। और ये मेट हमारे ब्रदर फ्रॉम उमा राइडर रॉयल एनफील्ड नोएडा एंड ये मेरे साथ कोलीग है दिशांत, ये द ब्रांड चैंप और मैं यहाँ से राइड कोऑर्डिनेटर हूँ। आपको हम जल्दी मिलेंगे सर के साथ। राइड पे कब जा रहे हैं आप? राइड पे अभी जो संडे राइड करेंगे, सर को इन्विटेशन दे दिया ऑलरेडी, अब इनके ऊपर ही आएंगे नहीं आएंगे, पर मैं फोर्स जरूर करूँगा। चलो भाई रवि भाई थैंक यू यार, मैंने भी बहुत पेशेंस दिखाया, रवि भाई ने भी बहुत पेशेंस दिखाया यार। सर दो दिन और वेट कर लीजिए सर, प्लीज सर। थोड़ा सा डिले हो गया है पर काम सॉर्टेड होना चाहिए, आराम से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इतने दिन वेट किया ना तो ये भी ये वर्थ है। वर्थ इट। अच्छा आप रह गए, सौरभ भाई रह गए, कैसे? बढ़िया। बताओ क्या कर रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ पहले गन फायर करते, क्या करते पहले गन फायर करते, पहले डाल के बढ़िया सही है, पीछे बैठा के सब। वीडियो बन गया सर के फोन भाई साहब। वाह वाह वाह, क्या
काउंट ऑफ थ्री में ठीक है सर, थ्री वन टू वन भूखा बना हो क्या पहले कौन खाएगा पहले आप जीटी चलाने से पहले मैंने जीटी उगा काम लिया यार पहले रवि भाई पहले रवि भाई सेल्स एग्जीक्यूटिव वीडियो बना रहा हूँ मुझे तो पूछ ले दोस्त ने वो काम मेरा कैमरामैन और मेरा चड्डी बड़ी सर इस पर देखते हैं मत लगा यार तो लो भाई फाइनल स्टेप में डन हो चुका है, ये अपना इंश्योरेंस का पेपर है, ये इनवॉइस है, हाँ देता हूँ ठीक है, और ये चलाना है ठीक है, डन है भाई। फाइनली बाइक लेके अपन निकल चुके हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड। पहले मैं बाइक में पेट्रोल डलवाता हूँ एंड उसके बाद से अपन घर जाएंगे, मंदिर जाएंगे, पूजा कराएंगे एंड फिर बाइक रेडी रहेगी राइड के लिए। एक हजार का डाल दे ठीक है बस खासकर मैंने एक चीज नोटिस की क्रोम वाला जो वर्जन है ना ये एकदम अलग स्टैंड आउट हो जाता है एकदम अलग से और लोग इसको मतलब एकदम 2,000-4,000 मार के देख ही लेते हैं यार बड़ी लग रही है भाई थैंक यू भाई देखा अमेजिंग मैन अमेजिंग बढ़िया लग रही है थैंक यू दोस्त थैंक यू सो मच दिस इज क्रेजी मैन भाई लोग आगे एक राउंड देख रहे हैं रुक के देख रहा है बंदा भाई दो तीन बंदे तो रुक के भैया बोले ऐसे सर बढ़िया लग रहा है सर भाई अलग तो हल्का इस बाइक का हाँ यही यही सीधे चलना है चलो बता रहा हूँ मैं लीड करता हूँ चलो भाई अपन पहुंच गए मंदिर और मंदिर में होगी पहले पूजा रोड पर से वीडियो बना रहा है ओम नारायणाय नमः ऋषिकेशाय हस्तप्रक्षालनम् भारी गंगे जपे च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सुनकावेदी स्नानार्थं प्रतीक्रहेत स्वास्तिक बनेगा ना जय जय होगा स्वास्तिक बनेगा स्वास्तिक बनाना मेरे में बना आज तक चिंता नहीं प्रधान अंतर्गत मंगला नवजा घर द्वारों पर मेहमानी जाएगा
फाइनली गाड़ी की तो पूजा हो गई भाई, बट एक फाइनल स्टेप रह गया था कि बाइक के जो है आगे पीछे नींबू लगा के एक बार गाड़ी आगे पीछे करनी होती है। ये एक तरह से नज़र बट्टू कह लो, नज़र उतरने का तरीका कह लो। सो दैट्स हाउ वी गोना डू इट। तो तोड़ दिया भाई नींबू, दिस इज अमेजिंग। एक नज़र लोग जरूर देख रहे हैं बाइक को, और फाइनली पूजा हो गया। वो नींबू भी मैंने फोड़ डाली चक्के के नीचे रख के, नज़र उतर गई बाइक की। सो गाइज आई एम सो हैप्पी एंड फाइनली बाइक आ गई है। काफ़ी टाइम लग गया बाइक को, बाइक की डिलीवरी लेते लेते, बट आई एम हैप्पी। थैंक यू सो मच जो उमा राइडर्स की पूरी टीम थी, उन्होंने प्रॉपर जो है मतलब मेरी हेल्प करी वहाँ पे, एंड आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू एवरी वन फॉर द लव एंड सपोर्ट। एंड आज का ब्लॉग जो है यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और जल्दी अपने राइड्स वगैरह, छोटे शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप जो भी रहेगा सब स्टार्ट होगा। धीरे धीरे करके अपग्रेड भी करूँगा मैं बाइक को, और ख़ुद के लिए भी जो भी अपग्रेडेशन होंगे वो सारे ऐड ऑन करूँगा धीरे धीरे एक करके, ठीक है। जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा वैसे वैसे मेरी बाइक ग्रो करेगी, सारी चीज़ें ग्रो होंगी, है ना। तो ऐसे सपोर्ट करते रहो, ठीक है। एंड जल्दी मिलते हैं तुम लोगों से, तब तक के लिए यार चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।